दोस्तों आज देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। अणु परमाणु आयन की प्रकृति एवं उनके मध्य कार्यरत बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर? यानी कि उसमें कार्य करने वाले बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है संसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है आण्विक ठोस, ठीक है। अब देखेंगे पहले नंबर पर आयनिक ठोस, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, आयनिक ठोस के मतलब होता है यानी कि आयनिक मतलब होता है आयन, ठीक है। आयन आयन में क्या रहते हैं? हमेशा धन आयन और ऋण आयन होते हैं, ठीक है। तो आयनिक ठोस के मतलब होता है दोस्तों उसके आयन से, ठीक है। अब देखेंगे उसका परिभाषा और क्या हो सकते हैं। आयनिक ठोस वे पदार्थ हैं जिनमें क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन होते हैं, यानी कि इसमें धन आयन या ऋण आयन होते हैं, तथा आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। प्रत्येक आयन अनेक विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो आयनिक ठोस वे पदार्थ हैं जिनमें क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई, यानी क्रिस्टल में क्या होते हैं? एक आयन होते हैं, यानी आयन के रूप में क्या होते हैं? धन आयन या ऋण आयन होते हैं, ठीक है। और उन आयनों यानी कि धन आयन और ऋण आयन के मध्य क्या लगेगा? प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं, यानी कि उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा किसके बीच? धन आयन और ऋण आयन के बीच, यानी कि वो कौन सा बल रहेगा? प्रबल रहेगा, यानी कि प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। और प्रत्येक आयन अनेक विपरीत आवेशित आयन से घिरा रहता है, यानी एक धन आयन एक ऋण आयन से भी घिरा हो सकता है और एक ऋण आयन एक धन आयन से भी घिरा होता है, उसी को बोलते हैं उसका विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखेंगे आयनिक ठोसों का उदाहरण। तो आयनिक ठोसों को और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आयनिक ठोसों का उदाहरण देखेंगे जैसे NaCl, CaO, ठीक है, Na2SO4, KCl, KClO3, MgO, ठीक है। अब इसमें देखेंगे NaCl क्या है? एक प्रकार का सोडियम क्लोराइड है और एक प्रकार का उदासीन है यानी कि नमक है। इसमें धन आयन होते हैं यानी कि सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस होते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होते हैं? कैल्शियम प्लस, ऑक्सीजन माइनस होते हैं। इसी प्रकार इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, KCl में, KClO3 में भी होते हैं, MgO में होते हैं, यानी कि सभी में क्या होते हैं? एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे धन आयन का आकार क्या होता है? छोटा होता है और ऋण आयन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो धन आयन होते हैं उसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, हमेशा याद रखना दोस्तों। और ऋण आयन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, यानी कि इसमें धन आयन ऋण आयन ऐसा दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो होते हैं इसमें क्या होते हैं? जो धन आयन और ऋण आयन के बीच आकर्षण होते हैं, यानी कि कौन सा बल लगता है उसमें? प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। देखे होंगे दोस्तों जितने भी विद्युत होते हैं उसमें दो तार होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन होते हैं, तभी उसमें क्या होते हैं? करंट आते हैं। इस कारण से वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ा होता है। और सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, सभी में क्या होते हैं? एक धन आयन और एक ऋण आयन होते हैं, दिखाई देते होंगे, ठीक है। और ये किससे जुड़ा होता है? एक बंधित आयन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या दर्शाते हैं? एक आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? सभी क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, यानी कि वो क्या होगा? कठोर होगा, ठीक है।
अब उसमें देखेंगे उसका लक्षण। पहला देखेंगे प्रबल बलों की उपस्थिति कारण, ये कठोर व भंगुर होते हैं, तथा इनके गलनांग व कथनांग भी ऊंच होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण ये कठोर होता है, यानी कि इसमें जो होते हैं धनन और ऋणायन क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, यानी कि उसमें क्या होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं, इसके कारण से वो क्या होगा, कठोर होता है। ठीक है दोस्तों, कठोर होने की वजह से क्या होता है, वो भंगुर भी हो सकता है, यानी भंगुर मतलब होते हैं टूट जाना। तथा इसके गलनांग और कथनांग भी ऊंच होते हैं, कठोर होने की वजह से क्या होता है, उसको गलनांग और कथनांग भी ऊंच होते हैं। दूसरा है धन आयन ऋणायन से, तथा ऋण आयन धन आयन की निश्चित संख्या से घिरा रहता है, यह संख्या आर प्लस अनुपात आर माइनस पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें देखो जो धन आयन होते हैं, आपको धन आयन दिखाई दे रहे होंगे, जो ये क्या है, एक प्रकार का धन आयन जो आकार में छोटा होता है, इसके चारों ओर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े आकार में होते हैं वो ऋण आयन होते हैं, यानी कि धन आयन कितने ऋण आयन से घिरा होता है, 6, यानी कि एक लेयर क्या होता है, पीछे बनता है, इसके कारण से वो दिखाई नहीं देता, इस कारण से धन आयन 6 ऋण आयन से घिरा होता है। उसी प्रकार से जो ऋण आयन होते हैं कितने धन आयन से घिरा रहता है, 6। ठीक है, जो ऋण आयन होते हैं 6 धन आयन से घिरा होता है, यानी कि उनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, और यह संख्या आर प्लस अनुपात आर माइनस पर निर्भर करती है। जितना आर प्लस यानी कि धन आयन का मान होगा, उतना ही ऋण आयन का मान होगा, यानी कि वो अनुपात में रहता है। ठीक है, तीसरा है ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु गलित या विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। दोस्तों, ठोस अवस्थाओं में विद्युत के कुचालक, यानी कि जो क्रिस्टल होते हैं, यानी कि आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना होते हैं, वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में क्या होते हैं, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, वो आपस में बंधा होता है, इस कारण से वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित या विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। अब देखेंगे सोडियम को गलाते हैं, तो गलते हैं तो किस में टूटते हैं, वो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में, यानी कि उसमें जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इस कारण से वो क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, किस में होते हैं, वो विलयन में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर है सहसंयोजी अथवा नेटवर्क का ठोस, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को सहसंयोजी मतलब और क्या हो सकते हैं। सहसंयोजी मतलब होता है इसमें एक से अधिक परमाणु सहसंयोजी बंध के रूप में जुड़ा होता है। ठीक है, अथवा नेटवर्क का ठोस मतलब होता है उसमें एक जाल के रूप में बंधे होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजी अथवा नेटवर्क का ठोस कहते हैं। अब इसका परिभाषा और क्या हो सकता है उसको देखेंगे। सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस वे पदार्थ हैं जिनमें क्रिस्टल जालक बिंदुओं पर एक या अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, जो एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यह सहसंयोजी संरचना द्विविमी या वृत्ताकार अथवा त्रिविमी होती है। ठीक है दोस्तों, मैं भी और बताया था आप लोगों को, सहसंयोजी मतलब होता है इसमें एक से अधिक परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं और एक जाल के रूप में फैला होता है, यानी कि वो क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी संरचना क्या होती है, द्विविमी या वृत्ताकार अथवा त्रिविमी होती है। ठीक है, अब एक जाल के रूप में हमको दिखाई देती है और वो क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे उसका लक्षण। लक्षण में देखेंगे पहला नंबर पर है त्रिविमी, त्रिविमी संरचना,
ठीक है, त्रिविमी संरचना देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, कठोर, भंगुर व गलनांक अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, त्रिविमी संरचना होती हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, कठोर होगा, भंगुर होगा व गलनांक अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें त्रिविमी संरचना कठोर क्यों होता है, तो कठोर क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक जाल के रूप में फैला होता है। और भंगुर, भंगुर मतलब होता है जो कि मोड़ने पर क्या होता है, कोई भी धातु अगर मोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो चटक जाता है, इस कारण से क्या है, भंगुर है। वह गलनांक अधिक होती हैं। गलनांक क्यों अधिक होती हैं, क्योंकि इसमें वो क्या होती हैं, सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस त्रिविमी संरचना बनाते हैं, इस कारण से उसको गलनांक क्या होती हैं, अधिक होती हैं। ठीक है, अब है दूसरा नंबर पर है गलन से पूर्व, गलन से पूर्व क्या होता है, वो अपघटित होता है। ठीक है, अपघटित होता है दोस्तों, गलन से पूर्व अपघटित होता है कौन, सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। ठीक है, गलने से पहले क्या होता है, वो अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस में जो परमाणु होते हैं वो बंध के रूप में फैला होता है, यानी कि बंध के रूप में जुड़ा होता है, और इसमें जो बंध के रूप में जुड़ा होने की वजह से क्या होता है, वो ठोस होते हैं, और उसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, जिसके कारण से क्या होता है, सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस विद्युत का कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल ग्रुप में लेंगे इसको, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड आदि। ठीक है, आप लोगों को उदाहरण ग्रुप इतना याद रखना है, हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड आदि। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, मैं और बता देता हूँ आपको, अपवाद ग्रुप में क्या है, क्या है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट देखे होंगे दोस्तों, ग्रेफाइट क्या होती हैं, चिकनी होती हैं, क्या होती हैं, चिकनी होती हैं और मुलायम होती हैं, मुलायम व नरम होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ग्रेफाइट चिकनी मुलायम व नरम होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होते हैं, एक परती संरचना होता है। ठीक है, एक चिकनी मुलायम व नरम किसके वजह से होते हैं, परती संरचना के रूप में होते हैं, इसके कारण से क्या होते हैं, वो चिकनी मुलायम व नरम होती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें अब आपको और जानकारी देना चाहता हूँ, देखो ग्रेफाइट का संरचना कैसा होती है, मैं बता रहा हूँ, अपवाद, अपवाद के रूप में कौन रहता है दोस्तों, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट देखे होंगे सभी लोग, जानते हैं ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रेफाइट क्या होती है, चिकनी
चिकनी, मुलायम व नरम। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होती हैं? चिकनी, मुलायम व नरम। अब इसमें क्या होती हैं? और इसमें परती संरचना होती हैं। क्या होती हैं? परती संरचना होता है। ठीक है, किसमें होती है परती संरचना? ग्रेफाइट में, जिसके कारण से क्या होता है, वो चिकनी, मुलायम, नरम होती हैं। ठीक है, तो किसके वजह से होती हैं परती संरचना, यानी कि परत के रूप में होता है, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, चिकनी, मुलायम व नरम होती हैं। ठीक है, आपको मैं चित्र के माध्यम से और दिखाना चाहता हूँ। ग्रेफाइट हमेशा क्या होते हैं? षटकोणी होती हैं, यानी कि ये षटकोणी बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? षटकोणी। तो इसमें हम और देखते हैं, इसमें बहुत सारा षटकोणी के रूप में होते हैं, ये यानी लेयर होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये ऐसा बना हुआ है, यानी कि सभी में क्या रहेगा? कार्बन परमाणु रहेगा, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, एक लेयर है, एक लेयर बना है, यानी कि षटकोणी होती है, इसमें बहुत सारा षटकोणी के रूप में होते हैं ये। ठीक है, अब उसे मैं एक और लेयर बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, कार्बन 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 कार्बन। इसमें मैं सिर्फ आपको दो लेयर के रूप में दिखाया हूँ, इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, यानी कि षटकोणी के रूप में होते हैं। क्या? ग्रेफाइट यानी कि परती संरचना के रूप में बनाता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं, ये यानी कि इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है? आकर्षण बंध होते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध के रूप में होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इसको जो होते हैं, एक कार्बन परमाणु और दूसरे कार्बन परमाणु जोड़ने का काम कौन करता है? इसमें वांडर वाल्स बंध होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वांडर वाल्स बंध होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये सेम सेम कार्बन परमाणु होते हैं, इसके साथ कार्बन परमाणु ये भी सेम होते हैं। ठीक है, अब ये वाला ऊपर वाला कार्बन परमाणु नीचे वाले लेयर के कार्बन परमाणु को जोड़ता है, यानी कि इसमें जो होते हैं क्या होते हैं? वांडर वाल्स बंद होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, वांडर वाल्स बंद। ठीक है दोस्तों, ये वांडर वाल्स बल होते हैं, फिर भी इसमें क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, और वांडर वाल्स बंद होने की वजह से क्या होते हैं? ये दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल। ठीक है, और ये दोनों कार्बन परमाणु क्या करते हैं? वो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस कार्बन परमाणु और इस कार्बन परमाणु की दोनों के जो बंध के रूप में होते हैं उसकी लंबाई क्या होती है? 340 PM, यानी कि पिको मीटर होता है। ठीक है, यानी उसकी लंबाई कितनी होती है? 340 PM, यानी कि पिको मीटर होती है। अब इसमें देखेंगे कार्बन और ये कार्बन बंध, दोनों के बंध के बीच की लंबाई कितनी होगी? 141.5, यानी कि इसमें पिको मीटर होती है। किसके बीच की होती है? कार्बन और इस कार्बन के बीच के जो बंध की लंबाई होती है 141.5 PM, यानी कि पिको मीटर की होती है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये चिकनी और मुलायम नर्म क्यों होते हैं? क्योंकि प्रतीक रूप में होते हैं। अब एक सेम सेम देखो, इसमें क्या होते हैं, जो लेयर होती हैं, एक लेयर पहला लेयर और दूसरा लेयर, जो दोनों होती क्या होती हैं? सेम सेम होती है, इस कारण से खिसक खिसक
सकते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, खिसकने की वजह से क्या होते हैं, वो चिकनी मुलायम और नरम होते हैं, यानी कि वो परते की संरचना के रूप में होते हैं, होने की वजह से क्या होता है, वो खिसक जाते हैं, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, चिकनी मुलायम और नरम होती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। अब एक और पॉइंट उठता है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है अपवाद है, लेकिन क्या होता है ग्रेफाइट, क्या होता है विद्युत का, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों, तो आप लोग बताना है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इसलिए है क्योंकि इसमें जो होते हैं, इसमें जो लेयर में होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इस कारण से क्या होते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं, जबकि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क का ठोस एक प्रकार का उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं बल्कि कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में क्या होते हैं, जो आयन होते हैं यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं, इसके वजह से क्या होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है।